Murdered for attempting to uncover the nefarious web of the land mafia. RTI activist Prem Kanja was shot dead for asking far too many questions, and now it's his family who's demanding some real answers. He was working to expose the land mafia in Maharashtra. Prem Kanja, an RTI activist, was found dead on Friday. Days after his death, his family is inconsolable. What's worse is that his death, that was first dubbed as an accident, is now a full-fledged murder probe. Jha's body was found with a bullet lodged in his head by the side of the road. पोस्टमार्टम किया तो उनके पीछे से सर में एक बुलेट इंजरी मिली, अंदर एक बुलेट मिला है हमको सर, तो हमने मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया। हिज फैमिली अलेजिंग दैट ही वाज किल्ड फॉर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस, फॉर ट्राइंग टू एक्सपोज द माफिया। यहाँ पे जितने भी इलीगल बिल्डर्स लॉबी है, सबको उनसे परेशानी रहती थी, वो लोग इलीगल धंधा कर नहीं पाते थे, इसलिए जानबूझ के उनको रास्ते से हटाने के लिए ये किया गया है। मीडिया के माध्यम से इतना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ जितने ऐसा किया उसको आप लोग सजा दिलाए। एक्चुअली कल हम लोगों को जैसे मालूम पड़ा कि ये रोड एक्सीडेंट है, बुलेट से गिर गए, आरटीआई एक्टिविस्ट थे, और इसी वजह से इनके ऊपर कुछ अनऑथराइजर जो हैं उनका तकलीफ था, अनऑथराइजर को इनसे तकलीफ था, तो हम लोग ने शंका जाहिर किया पुलिस चौकी में, पुलिस वाले ने वो चीज़ मेंशन किया, क्लियर कट हमारे पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि इनको बुलेट लग गया। सो फार मोर देन 10 पीपल हैव बीन डिटेन्ड, द पुलिस ट्राइंग टू पीस टुगेदर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, नाउ फोकसिंग ऑन ऑल दोस हु झा हैड एक्सपोज्ड। द क्वेश्चन इज, वाज ही किल्ड फॉर नोइंग टू मच? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।